जो खुशी यहाँ पे आते समय होती है पहाड़ों में, वो खुशी जाते समय नहीं होती। तो गाइस अभी हम लोग शिमला से निकल के आगे आ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं करनाल, ठीक है। और आज ही हमारा लखनऊ जाने का प्लान है, तो ये प्रवीण भाई निकल रहे हैं और यहाँ पे हम लोग रुके हैं यार इसलिए क्योंकि ये गन्ने का जूस ये पी के चलते हैं यार, क्योंकि एनर्जी लेते रहना चाहिए रास्ते में, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र रहता है। गाड़ियाँ बहुत चलती हैं यार शिमला से इधर पंजाब चंडीगढ़ के लिए, बहुत ज़्यादा गाड़ी चलती है। तो भाई ये आ गया हमारे गन्ने का जूस तीनों लोगों का, ये तो तीनों लोग पी रहे हैं। वैसे कभी कभी क्या होता है कोई कुछ नहीं खाता कोई कुछ नहीं खाता, लेकिन यहाँ पे सब चल जाता है सबका। धूप बहुत हो गई है इस समय। तो भाई जूस हो गया, अभी ये चल रहा है छोला कुलचा, कैसा है टेस्ट? बढ़िया है, बहुत बढ़िया, सही है। हमने कभी नहीं खाया यार, अभी देखते हैं बनने है। दो और बनने प्रवीण भाई का मेरा, देखते हैं कैसा है यार। अभी इस समय शाम का 4:30 हो गया है, शाम ही हो रही, धीरे धीरे अभी धूप है, धीरे धीरे वो भी चली जाएगी। और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं करनाल, करनाल में कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे सीधे हम लोग। तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से क्योंकि आज ही पूरा प्लान है हमारा लखनऊ जाने का, रुकना नहीं आज कहीं, चला जाए सीधे करनाल। तो गाइस अभी हम लोग शिमला से आगे बढ़ चुके हैं और करनाल यहाँ से बचा है 180 किलोमीटर। तो यहाँ पे यार नारियल दिखा हमको पीछे लगा हुआ, तो यार यही हुआ कि नारियल पानी पी लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अभी 5:30 हो गया है, करनाल 180 किलोमीटर है, देखिए कितना टाइम लगता है यार, क्योंकि मॉल भी जाना है, मॉल 10 बजे बंद हो जाएंगे, क्योंकि भाई को शॉपिंग भी करनी है। ये पी लेते हैं फिर निकलते हैं, वैसे एकदम ताज़ा है, एकदम कच्चा। और हमारे पीछे ना सारे घर जो आपको दिख रहे हैं वो शिमला के सारे घर हैं ऊँची पहाड़ियों पर। तो गाइस ये भी पीछे हमारे सनवारा एक टोल प्लाजा है वो निकल गया है और यहाँ पे पहाड़ी ख़त्म हो रही है, हम लोग बस उतरना चालू हो गए। थोड़ी देर बाद हमें लग रहा है कि पहाड़ी ख़त्म हो जाएंगी, ये जो पहाड़ी दिख रही है बस वो आखिरी पहाड़ी दिख रही है। जो खुशी यहाँ पे आते समय होती है पहाड़ों में, वो खुशी जाते समय नहीं होती, लेकिन थकान बहुत होती है तो ये होता है कि बस अपना घर मिल जाए जल्दी जल्दी। तो हम लोग इसीलिए आज कहीं नहीं रुक रहे हैं और सीधे लखनऊ जा रहे हैं, शिमला से एक दिन में लखनऊ पहुँचेंगे हम लोग। दिन क्या रात में ही पहुँच रहे हैं, क्योंकि हम लोग शाम को तो शिमला से निकले हैं 5 बजे, तो 3-4 बजे करीब सुबह हम लोग लखनऊ पहुँच जाएंगे, लेकिन रास्ते में रुकेंगे नहीं यार कहीं, क्योंकि 4-5 दिन जब हो जाता है ना घूमते घूमते तो फिर यही होता है कि यार जल्दी से घर चलो अपने, यही है कि नहीं सबके साथ? बिल्कुल सबका यही हाल है, चलते हैं घर। बिल्कुल बिल्कुल एकदम, घर पे चल के 1-2 दिन आराम करते हैं भाई, उसके बाद फिर अपना वही काम, रोज का जो काम है भाई, सबका यही हाल है। लेकिन एक बात है यार, शिमला में बहुत लोग घूमने आते हैं और ज़्यादातर लोग जो है ना पंजाब से हरियाणा से ही आते हैं और दिल्ली के लोग, ये लोग बहुत इधर आते हैं क्योंकि इनका पास में भी पड़ता है यार, तो इधर से बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, बहुत गाड़ियाँ आती हैं और शिमला तक ज़्यादा आते हैं, उसके बाद में आगे काजा ये सब तो बहुत कम लोग, एडवेंचर के लिए जो जिसको जाना रहता है वो जाता है, जैसे हम लोग गए थे काजा, तो जिनको एडवेंचर करना है वो जाते हैं, बाकी फैमिली वाले या फिर घूमने वाले यहीं तक आते हैं शिमला तक बस, उसके आगे नहीं जाते हैं। तो गाइस अभी चलते हैं आगे, मिलते हैं आपसे, करनाल में रुकने का प्लान है, करनाल में रुकेंगे तब आपको दिखाएंगे वहाँ का मॉल कैसा है, क्योंकि मॉल जाएंगे कुछ शॉपिंग करनी इस वजह से। तो गाइस अभी हम लोग करनाल से 50 किलोमीटर पहले हैं और यहाँ पे NH 44 पे बहुत ज़्यादा जाम लग चुकी है, ये सब जाम लगी पड़ी, सब गाड़ियाँ खड़ी हैं, बहुत ज़्यादा लंबी जाम दिखा रहा है, मैं आपको दिखाऊँ ये जितना रेड है पूरा एरिया देखिए, सब जाम लगी पड़ी बहुत ज़्यादा, 1 घंटा और 1 घंटा 3 मिनट का डिले हो गया है, देखिए बहुत ज़्यादा जाम है यार, पता नहीं क्या। ओहो भाई ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 1 घंटा जाम, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है यार, देखो कितना टाइम लगता है यहाँ से निकलने में। अभी करनाल नहीं पहुँचे हम लोग और टाइम हो गया है 9:05 रात के, और रात भर हमें चलना है और सुबह तक हम लोग पहुँचना है लखनऊ, ठीक है। अब देखो कितने बजे पहुँचते हैं, इस हिसाब से 9 यहीं बज गया, करनाल नहीं पहुँचे, सुबह तक लखनऊ पहुँचना है, बहुत टाइम लगने वाला है भाई, ये देखो कब जाम खुलती है, बहुत देर की मैंने दिखा दिया, 1 घंटे की जाम दिखा रहा है। तो गाइस अभी 1.5 घंटे जाम में फंसने के बाद हम लोग आगे आए हैं, अभी करनाल नहीं पहुँचे हैं, अभी ये देख लीजिए दिल्ली दिखा रहा है 176 किलोमीटर और यहाँ पे रुके पेट्रोल के लिए, तो पेट्रोल यहाँ पे है 105.76 रुपये में है और टंकी फुल करानी पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी में सिर्फ 85 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा था, तो अभी फुल करा लेते हैं यहाँ से पेट्रोल, उसके बाद में आगे चलते हैं करनाल। अभी तो हाईवे खुल गया है, वैसे हाईवे पूरा ब्लॉक हो गया था, 1.5 घंटे बहुत टाइम लगा हमें, तो फुल हो जाए फिर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस यहाँ पे आ गया 2750 रुपये का पेट्रोल, 25 लीटर है, 26 लीटर है, 25.97 है, तो इतना पेट्रोल में देखो कहाँ तक पहुँच पाते हैं। अभी हम लोग दिल्ली जाएंगे, दिल्ली 176 किलोमीटर है, उसके बाद लखनऊ भी जाना है, और टाइम क्या हो गया मैं दिखाऊँ आपको, 10 बज गया है, ये देख लीजिए, मतलब 10 बज गया है, 10:20 हो रहा है, ठीक है, तो अभी बहुत टाइम हो गया वैसे, क्योंकि 1.5 घंटा जाम में लग गया है, ये तो लगा रहता है लंबे रूट पर। तो अब देखो सुबह हम लोग कितने बजे तक लखनऊ पहुंच पाते हैं, और रुकेंगे नहीं फिलहाल, लखनऊ ही रुकेंगे जाके सीधे, है ना, सीधे लखनऊ का प्लान है आज। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं नेशनल हाईवे 44 पे और करनाल के रास्ते में है, करनाल यहाँ से लगभग बचा होगा 30 किलोमीटर के आसपास, और दिल्ली है यहाँ से 171, और इस हाईवे पर इस समय बहुत जाम है, बहुत ज़्यादा, मतलब
10:30 हो रहा है, 10:30 बजे इतनी जाम, बहुत बड़ी बात है यार, क्योंकि सारे ट्रक चलने लगे हैं और अभी जाम से ही निकले हम लोग, 1.5 घंटे जाम में फंसे रहे। लेकिन यहाँ रोड में भी बहुत ट्रैफिक है यार, ऐसा नहीं है कि हम लोग भागते चले जा रहे हैं। देखो तीनों लेन जो है बिजी चल रही है, तीन तीन लेन है, तब भी तीनों लेन का ये हाल है कि गाड़ी चलना मुश्किल हो गया है। इस वाली लेन में पूरा ट्रक चल रहे हैं, बीच में कार है, मिक्स चल रहा है, कहीं ट्रक है, कहीं कुछ है, साइड में कार है, सब जहाँ मन हो रहा वहाँ चल रहे हैं। उधर भी बस आ गई किनारे वाले में, तो ये हाल है। यहाँ भी सही से चल नहीं पा रहे हैं कि हम लोग सही से चल पा रहे हो, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो गाइज अभी हम हैं दिल्ली से 50 किलोमीटर पहले और ये आइसक्रीम चल रही है हमारी, सिर्फ खाई रही है रास्ते पर और चल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो सामने है प्रवीण भाई और इधर दुर्गेश भाई अपने खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हमने सिर्फ आइसक्रीम ली और कुछ नहीं, क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं है। अभी हम लोग चलेंगे आगे जो पड़ेगा यमुना एक्सप्रेस वे, उस पर खाना बढ़िया मिल जाएगा, वहाँ खाएंगे जाके हल्का फुल्का जो भी, ऐसे ही फिलहाल अभी जो भी खा रहे हैं वो खा लेते हैं फिर चलते हैं यहाँ से। तो गाइज़ अभी हमारा आइसक्रीम और जो भी खाना था वो हो गया है। यहाँ पे हम लोग द साने पंजाब ढाबा एंड रेस्टोरेंट, और यहाँ पे भाई हम लोग आ गए हैं अपनी आइसक्रीम दूसरी लेके, दूसरी आइसक्रीम है, तो ये यहाँ पे खा के फिर उसके बाद हम लोग चले जाएंगे आगे दिल्ली की तरफ। चलो भाई निकालो आइसक्रीम। हाँ यार अच्छी आइसक्रीम है, तो सच में बढ़िया यार, इसका देखो कितना बढ़िया आइसक्रीम है यार। हमने तो कोन वाली खाई है, अब इसमें तीनों लोग खा लेंगे, ये ऐसी आइसक्रीम है, शेयरिंग वाली है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो अभी सुबह के 7:30 बज रहा है और हम हैं सैफई में फूड प्लाजा, यहाँ पे आगरा एक्सप्रेस वे पे, उसी में रुके हुए हैं चाय पीने। ये हमारी कुल्हड़ वाली चाय ये चल रही है और यहाँ से लखनऊ भी लगभग बचा है 200 किलोमीटर। रात भर हम लोग चले हैं और अभी यहाँ पे पहुँच पाए, क्योंकि यार रात में हरियाणा में बहुत ज़्यादा जाम लग गई थी, इस वजह से ऐसा हो गया। फिलहाल अभी सुबह की ये चाय हो रही है और अभी आगे बढ़ते हैं, घर पहुंचते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइज अभी हम लोग पेट्रोल भराने के लिए रुके हैं यहाँ पे सैफई में। कल हम लोग शिमला से शाम को निकले थे लखनऊ के लिए, अभी लखनऊ नहीं पहुँचे, सैफई पहुँचे हैं, क्योंकि कल करनाल में बहुत ज़्यादा जाम भी लग गया था 1.5-2 घंटे का। और उसके बाद हम लोग रात भर चलते रहे, सिर्फ हम लोगों ने 1 घंटे का ब्रेक लिया है एक जगह पे, जहाँ पे हम लोग गाड़ी में ही पेट्रोल पंप पे खड़ी करके सो गए थे, क्योंकि उसके बिना हम लोग गाड़ी नहीं चला पाते, क्योंकि कल दिन भर तो घूमे थे, फिर इतनी थकान थी, रात भर जगना था, तो रेस्ट कर लिया, उसके बाद में हम लोग यहाँ तक आ पाए। अब तो दिन हो गया, 8 बज गया सुबह का और अब निकल जाएंगे हम लोग लखनऊ। 2-2.5 घंटा लगना है, इसके ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि 2 घंटे का सफ़र यहाँ से दिखा रहा है और 200 किलोमीटर है, तो हाईवे अच्छा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आगरा एक्सप्रेस वे में तो निकल जाएंगे आराम से। लेकिन भाई बहुत ज़्यादा रात भर गाड़ी चली तब जाके हम लोग पहुँच पाए हैं। अभी तक जो हम लोगों ने ट्रैवल किया है टोटल किलोमीटर मैं आपको दिखा रहा हूँ कितने हुए हैं। तो गाइज ये देख लीजिए, लगभग 2300 किलोमीटर का हम लोगों ने सफ़र किया 4 दिन के अंदर, वो भी पहाड़ों का रास्ता, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने ट्रैवल किया। और अभी 2-2.5 घंटा और लगेगा, लखनऊ पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग आराम करेंगे, क्योंकि कोई नहीं सोया सही से, सिर्फ भाई आधे घंटे के लिए रेस्ट किया गया रास्ते में पेट्रोल पंप पे, बस है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो इतना ज़्यादा थकान है सबके। और क्या होता है ना कि अगर आप लगातार गाड़ी चलाएं तो फिर नींद बहुत आती है, फिर वो आँख रुकती नहीं है, चिपक जाती है, इतनी तेज़ नींद आती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि भाई जहाँ पे ऐसा होता है ना, तो पहले ही गाड़ी साइड में लगा के पेट्रोल पंप या कहीं पे जहाँ पे जगह होती है लगा के थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, नींद एक ले लेते हैं 10-15-20 मिनट की जो भी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर तो एक्सीडेंट होना पक्का है। अगर आप नींद आ रही हो नहीं रुके तो फिर तो दिक्कत है, तो ऐसा हम लोग नहीं होने देते हैं, जहाँ पे नींद आती है वहाँ रुक जाते हैं। तो ये चीज़ आपको भी करनी चाहिए, अगर आप लंबे ट्रिप पर जा रहे हैं, अगर नींद आ रही तो भाई पहले रेस्ट कर लीजिए फिर आगे गाड़ी चलाइए, क्योंकि रास्ते में कोई रिस्क नहीं। तो चलिए पेट्रोल भरा के यहाँ से निकलते हैं, फिर देखते हैं कितना आता है अभी पेट्रोल। तो गाइस यहाँ पे 2700 का पेट्रोल आ गया है और 25 लीटर आया है, तो अब टंकी हमारी फुल हो गई है, 540 की रेंज आ गई है, अब निकल लेते हैं लखनऊ, आराम से पहुँच जाएंगे इतने में।